गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। हम कंटिन्यू कर रहे थे ट्रांसपोजोन्स। तो ट्रांसपोजोन्स में हमने देखा था हाइब्रिड डाइजेनेसिस क्या होता है। तो हाइब्रिड डाइजेनेसिस क्या होता है कि जो टू डिफरेंट स्ट्रेन प्रेजेंट है ड्रोसोफिला में, एक में जिसमें पी स्ट्रेन क्या था, जिसमें पी एलिमेंट प्रेजेंट था, उसको हम क्या बोल लेते, पी टाइप या पी साइटोटाइप, या उसको हम बोल लेते पी प्लस। एक वो जो जहां पे पी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं था उसको हम क्या बोल लेते हैं, एम साइटोटाइप या पी माइनस। और उन दोनों के बीच जब क्रॉस कराते हैं, और जब क्रॉस कराएंगे तो एफ1 जनरेशन जो आएगा, मींस जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो क्या होगी, वहां पे स्टाइल होगी, वो क्या होगी वहां पे स्टाइल होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। तो जितनी भी जो ऑफस्प्रिंग होगी वहां पे वो क्या होगी, स्टाइल होगी। मींस जो जनरेशन आएगी वो क्या होगी, वहां पे स्टाइल होगी, वो फर्टाइल नहीं होगी। वो जनरेशन वहां पे क्या होगी, स्टाइल होगी, मींस वो फर्टाइल नहीं होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। अब बात करते हैं हम आगे ट्रांसपोजोन्स की, बात कर रहे थे, अभी आगे हम बात करते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की, कि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या होता है। हमने ट्रांसपोजोन्स के टाइप देखे, अब बात करेंगे हम कि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं। तो जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो कॉमन होते हैं इन यूकेरियोट्स में। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो कॉमन होते हैं इन यूकेरियोट्स में, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कहां प्रेजेंट होंगे, इन यूकेरियोट्स में, कहां प्रेजेंट होंगे, इन यूकेरियोट्स में। तो दे आर मोर कॉमन इन, जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है वो कॉमन होते हैं कहां पे, दे आर कॉमन इन यूकेरियोट्स में। तो जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है वो कहां प्रेजेंट होंगे, यूकेरियोट्स में। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, किसमें प्रेजेंट होंगे, यूकेरियोट्स में। मींस कॉमन होंगे किसमें, यूकेरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में होते हैं लेकिन रेयरली प्रेजेंट होंगे किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है वो कॉमन होंगे किसमें, इन यूकेरियोट्स में, किसमें होंगे, यूकेरियोट्स में। अब ये जो मैकेनिज्म शो करते हैं, ये कौन सी मैकेनिज्म शो करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। दे एक्सिबिट कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। ये शो करेंगे कौन सी, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। अगर ये कॉपी और पेस्ट मैकेनिज्म शो करते हैं तो स्टूडेंट आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा मैकेनिज्म शो कर रहे हैं, कंजर्वेटिव शो कर रहे हैं या फिर ये रेप्लिकेटिव शो कर रहे हैं। भाई कंजर्वेटिव शो कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, टू टाइप्स से जो मैकेनिज्म ये शो करते हैं, कंजर्वेटिव होता है, एक रेप्लिकेटिव होता है। अगर ये कंजर्वेटिव शो कर रहे हैं तो कौन सा मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। और जब कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होगा तो वहां पे कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं होगा, कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं होगा जहां पे कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स। तो कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स में कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होता है तो वहां पे कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं होगा, वो वहां से क्या होगा, ट्रांसपोजोन्स वहां से कट होगा और दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा, वहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो दूसरी जगह वही ट्रांसपोजोन्स पेस्ट हो रहा है तो कॉपी नंबर तो इंक्रीज नहीं हो रहे, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म हो रही है वहां पे। तो कंजर्वेटिव जो मोड है वहां पे क्या है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म है। लेकिन यहां रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या करते हैं, एक्सिबिट करते हैं कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। तो जब कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म शो करते हैं तो यहां पे क्या है, ये रेप्लिकेटिव मोड है ट्रांसपोजोन्स का, क्योंकि यहां पे कौन सी, यहां पे कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म शो करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजोन्स शो करेंगे कौन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेटिव। मींस यहां पे क्या होगा कि ट्रांसपोजोन्स अपनी कॉपी जो है, कॉपी वो तो है ही है, उसके अलावा एक कॉपी और बनाएगा और दूसरे पोजीशन में जाके क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा, दूसरे पोजीशन में जाके क्या हो जाएगा, वहां पे वो अटैच हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि वो अपना कॉपी नंबर तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज कर रहा है, तो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स। तो जो एक्सिबिट करता है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स वो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म को क्या करता है, शो करता है। तो यहां पे जो ट्रांसपोजोन्स मोड हो रहा है वो कौन सा होता है, रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स। और ये कॉमन होते हैं कहां पे, प्रेजेंट होते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स इन यूकेरियोट्स में। भाई ट्रांसपोजोन्स की बात कर रहे थे, ट्रांसपोजोन्स प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट थे और किसमें प्रेजेंट थे, यूकेरियोट्स में भी प्रेजेंट थे। भाई ट्रांसपोजोन्स कहां प्रेजेंट थे, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट थे और यूकेरियोट्स में भी प्रेजेंट थे। लेकिन रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की अगर हम बात करते हैं तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स ओनली प्रेजेंट होता है इन यूकेरियोट्स, कहां प्रेजेंट होता है, इन यूकेरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में ये क्या होते हैं, रेयरली प्रेजेंट होते हैं। अब जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, देयर आर
टू टाइप्स जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, और वो टू टाइप्स कौन कौन सा होता है? एक होता है वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, एक होता है नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, सेकेंड होता है नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, एक होता है नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, याद रखेंगे आप कि एक होता है वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, एक होता है नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो टू टाइप के रेट्रो ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट होते हैं, वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो सबसे पहले हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या होता है और नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। सबसे पहले हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो जो वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूं वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो जो वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, इन प्रेजेंट होते हैं ये इन लोअर यूकेरियोट्स में, लोअर यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या बताया था कि जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, इन यूकेरियोट्स में। तो जो वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है वो प्रेजेंट होते हैं कहां पे, इन लोअर यूकेरियोट्स में। कहां प्रेजेंट होंगे, इन लोअर यूकेरियोट्स में। कौन, ये जो वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं तो ये कहां प्रेजेंट होंगे, लोअर यूकेरियोट्स में। अब ये सिमिलरिटी शो करते हैं किसके साथ, रेट्रो वायरसेस के साथ। ये सिमिलरिटी क्या करेंगे, ये जो वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है ये सिमिलरिटी शो करते हैं विथ, सिमिलरिटी शो विथ रेट्रो वायरसेस, सिमिलरिटी शो विथ रेट्रो वायरसेस। तो जो रेट्रो वायरसेस है, जो रेट्रो वायरस होता है, रेट्रो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, आरएनए, और वहां पे क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो जेनेटिक मटेरियल होता है रेट्रो वायरस का वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपका, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपसे पूछ सकता है कि रेट्रो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे वहां पे क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होगा वहां पे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होगा रेट्रो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है उसमें हम पहला क्या ले रहे हैं, वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कहां प्रेजेंट होगा, इन लोअर यूकेरियोट्स में। यूकेरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन यूकेरियोट्स में भी कहां प्रेजेंट होगा, इन लोअर यूकेरियोट्स में। और ये सिमिलरिटी शो करता है, जो वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होता है ये सिमिलरिटी शो करता है किसके साथ, रेट्रो वायरस के साथ। किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा, वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स रेट्रो वायरस के साथ क्या करता है, ये सिमिलरिटी शो करेगा। अब इसके एग्जांपल है, जैसे कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी वाई एलिमेंट इन यीस्ट ये क्या है, वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। टी वाई एलिमेंट इन यीस्ट ये क्या है, वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। और सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो टी एच ई वन इन ह्यूमंस, टी एच ई वन किसमें प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस से। और थर्ड जो है वो क्या है, कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला। और ये पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो कोपिया एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे, ड्रोसोफिला में। और जो कोपिया एलिमेंट ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, आपको ऑप्शन दे देंगे वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स। तो आप क्या बोलोगे कि जो कोपिया एलिमेंट ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इज ए वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, तो जो कोपिया एलिमेंट ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो जो वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या होता है कि प्रेजेंट होता है किसमें, इन लोअर यूकेरियोट्स में। यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है, तो यूकेरियोट्स में भी किसमें, लोअर यूकेरियोट्स में। क्योंकि हम क्या बोल रहे थे कि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कहां प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, वो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो जो वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, इन लोअर यूकेरियोट्स। और ये जो सिमिलरिटी शो करते हैं किसके साथ शो करते हैं, रेट्रो वायरसेस के साथ। और रेट्रो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। उसके जो एग्जांपल है वो क्या है, टी वाई एलिमेंट इन यीस्ट और कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला और टी एच ई वन इन ह्यूमन।
ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो वायरल रेट्रोट्रांसपोर्टर्स है उसका एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि टी वाई एलिमेंट इन ईस्ट, टी एच ई वन इन ह्यूमन, कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, देट आर वायरल रेट्रोट्रांसपोर्टर्स, दीज आर वायरल रेट्रोट्रांसपोर्टर्स। तो ये जो वायरल रेट्रोट्रांसपोर्टर्स है, जो रेट्रोट्रांसपोर्टर्स है, तो मैंने क्या बताया था कि रेट्रोट्रांसपोर्टर्स जो अपना ट्रांसपोर्टर्स शो करते हैं वो कौन सा मोड से करते हैं, रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टर्स वहां प्रेजेंट होता है क्या, रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। तो रेप्लिकेटिव मोड अगर ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होगा तो वो शो करते हैं क्या, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, क्या शो करते हैं वहां पे, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। अब ये जो नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये सिमिलरिटी शो नहीं करते हैं किसके साथ, रेट्रोवायरसेस के साथ। भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि जो वायरल रेट्रोट्रांसपोर्टर्स है ये तो क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं किसके साथ, रेट्रोवायरसेस के साथ। लेकिन जो नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो सिमिलरिटी शो नहीं कर सकते किसके साथ, रेट्रोवायरसेस के साथ। और ये जो नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोर्टर्स है उसके भी आगे बहुत 2 या 3 टाइप्स होते हैं, वो उनकी हम डिटेल में थोड़ी स्टडी करेंगे। लाइन है, साइन है, और ये क्या रखते हैं, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, ये क्या रखते हैं, ये लॉन्ग टर्मिनल रिपीट सीक्वेंस नहीं रखते हैं, कौन, नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोर्टर्स। तो नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोर्टर्स को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में करेंगे, उसके टाइप्स है उसको भी हम देखेंगे। थैंक यू।